हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कल राउंड ऑफ 16 का मैच था पुर्तगाल वर्सेस स्लोवेनिया। कल बच गए, नहीं तो कल का रात कैसे जाता है क्या बताए। मैच जीते इन पेनल्टीज। स्लोवेनिया का डिफेंस पैक्ड था, बट आई एम बिगेस्ट रोनाल्डो फैन, यू नो गाइज, बट मुझे कल बहुत बुरा लगा रोनाल्डो का जो बिहेवियर था। माना कि एक्स्ट्रा टाइम तुमने पेनल्टी मिस किया, ठीक है, पेनल्टी अच्छा सेव किया ओब्लाक ने, हो सकता है किसी भी प्लेयर का साथ हो सकता है, बट मैच तभी 15 मिनट्स बाकी है तभी रोना शुरू कर दिए। लगा नहीं था कि जीतेंगे, पूरा ही हाल छोड़ देता है ऐसे रोनाल्डो को रोते देख के, कि अगर लीडर जब ऐसा हो तो पूरा टीम तो डाउन ही हो जाएगी। डियागो डेलो, ब्रूनो फर्नांडिस, रूबेन डियास, इवन फ्रांसिस कॉन्सेस्को ने भी आकर कंसोल कर रहा है, वो तो हुआ। एंड अगेन अनदर लेजेंड पेपे पूरा मैच में अच्छा खेला, एंड लास्ट मोमेंट में आज इतना बड़ा मिस्टेक कर दिया था, पता नहीं कैसे सिस्को ने वो वाला गोल मिस किया। मैच पेनल्टी शूट आउट में गया, रोनाल्डो ने स्कोर किया, हम सब से माफ़ी मांगा, वो अच्छा लगा जेस्चर देख के। एंड डिएगो कोस्टा भी कोई आम गोलकीपर तो है नहीं, वो भी एक सुपरमैन ही है। फर्स्ट शूट आउट सेव, सेकेंड में ब्रूनो ने कन्वर्ट किया उन लोगों का सेकेंड शूट आउट सेव, थर्ड भी सेव। व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय डिएगो कोस्टा, आई वाज जस्ट ब्लेस्ड टू हैव दिस गोलकीपर। ओब्लाक अच्छा था, बट उससे भी अच्छा खेला डियागो कोस्टा ने, वो 1v1 सेव देख के मज़ा ही आ गया। फाइनली हम लोग क्वार्टर फाइनल पहुंच गए। फाइनली पुर्तगाल एट क्वार्टर फिनाले, नेक्स्ट मैच होगा फ्रांस से। चलिए बात करते हैं फ्रांस वर्सेस बेल्जियम का मैच। थोड़ा सा कैजुअली मैच हुआ, दोनों ही पेनल्टी शूट आउट में लेने जा रहे थे, बट कोलू मॉर्निंग ने एक शॉट मारा एंड 85 मिनट में ओन गोल हो गया एंड फ्रांस जीत गया अपना मैच। फ्रांस भी कुछ अच्छा परफॉर्मेंस किया नहीं, बट क्वार्टर फाइनल में ओपोनेंट मिला है पुर्तगाल। एंड अनदर क्वार्टर फाइनल वाज स्पेन वर्सेस जर्मनी। व्हाट अ ब्लॉकबस्टर दिस मैच वेयर, यूरो में अच्छा ही देखेंगे।